उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में न्याय की मांग करने वाले किसानों पर भाजपा की कार्रवाई का देश भर में कड़ा विरोध किया जा रहा है। थाने में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक पत्रकार परिषद में बताया कि वह सोमवार को महाराष्ट्र बंद में शामिल होंगे। ज्ञात हो कि यह जानकारी थाने कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा एक पत्रकार परिषद में दिया गया और इस अवसर पर थाने शहर के अध्यक्ष विक्रांत चौहान, थाने कांग्रेस महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सचिन शिंदे, थाने कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भालचंद महाड़ी, कांग्रेस प्रवक्ता रमेश इंदिसे और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि इस अवसर पर विक्रांत चौहान ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना बहुत चौंकाने वाली थी और इससे भी अधिक गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भाजपा के एक मंत्री के बेटे की संलिप्तता थी। भाजपा सरकार ने कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी को जेल में डाल दिया, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, जनरल डायर की हत्या का विरोध किया और ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश सरकार से परिचित कराया, ऐसा निशाना भी विक्रांत चौहान ने बीजेपी पर साधा। तो वहीं विक्रांत चौहान ने कहा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे और हम सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारियों से विनम्रतापूर्ण अपील करते हैं कि वह भी इस महाराष्ट्र बंद में भाग लें और देश हित में अपना कर्तव्य पूरा करें। अब देखना यह है कि विक्रांत चौहान के इस अपील की थाने के व्यापारियों पर कितना असर पड़ता है। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।